हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में किस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके किसी नोटिस या फिर स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ये आपके आगे कॉलेज जो है जिसमें आप जाके पढ़ते हो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर मैं ये दिखा देती हूँ, मैंने न्यूज़ ही ओपन कर रखी, दैट्स वाई यहाँ पे एड्स भी शो हो रहे हैं। कॉलेज रीओपनिंग इन इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही है। सो लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़, लेटेस्ट अपडेट दी गई है यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग स्टेट्स की। यहाँ पर आप एक बार ये बच्चों का फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम बच्चों को ऐसे गैप में बिठाएंगे अलग अलग, मतलब डिस्टेंस फॉलो करते हुए, सेफ्टी फॉलो करते हुए। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो सबसे फ्रंट में ब्लैक शर्ट में बच्चा बैठा हुआ है, ये थोड़ा डिप्रेस भी लग रहा है कि यार कॉलेज क्यों खुले। अब मजाक हट के आप आते हैं न्यूज़ पे। न्यू दिल्ली विद द डिक्लाइन इन कोविड पॉजिटिव केसेस अक्रॉस द कंट्री, सेवरल स्टेट गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैव स्टार्टेड मेकिंग अनाउंसमेंट एज टू व्हेन दे इंटेंड टू रिज्यूम कॉलेज इन ऑफलाइन मोड, व्हाइल सम इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल हैव सेड दे माइट रीओपन आफ्टर मिड अक्टूबर, सेवरल अदर इंक्लूडिंग उत्तराखंड एंड तमिलनाडु हैव फिक्स्ड डेट। क्या बोला इन्होंने, बोला है कि देश भर में, पूरी कंट्री में, इंडिया में कोविड पॉजिटिव के केसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है और उसको देखते हुए कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने ये घोषणा करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई अब आपका ऑफलाइन मोड में कॉलेज फिर से शुरू करेंगे। मतलब उनका इरादा हो रहा है कि आपका जो ऑफलाइन मोड है वो अगेन स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने इस बात में ये बोला है इसी पैराग्राफ में कि जब उन्होंने ये इरादा रखा है, जबकि पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, उसमें उस मतलब उस स्टेट के साथ कुछ ने ये कहा है कि वो मिड अक्टूबर के बाद फिर से कॉलेजेस खोल सकते हैं, मिड अक्टूबर के बाद की। इन्होंने फिर आगे ये वाली बात बोल दी कि जब वेस्ट बंगाल ने ये बोल दिया और उसके साथ कुछ कंट्रीज़ ने कि भाई मिड अक्टूबर तक हमारे कॉलेजेस खोलने के इरादे हैं, और बड़े नेक इरादे हैं और पक्के इरादे भी हैं क्योंकि केसेस बहुत, तो उसके साथ साथ उत्तराखंड और तमिलनाडु के साथ और भी कंट्रीज़ ने अपनी डेट्स जो हैं वो फिक्स कर दी हैं, तय की हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है, हाउएवर फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट एंड द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अटेंडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेवरल सेफ्टी मेजर रिलेटेड टू COVID-19 आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड वॉन्ट देयर स्टूडेंट एंड स्टाफ टू गेट वैक्सीनेटेड बिफोर रिज्यूमिंग क्लासेज इन फिजिकल मोड। नॉर्मली इस बात, इस वाले पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला है कि जो आपकी वो है टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनको हिंदी में शैक्षणिक संस्थाएं बोलते हैं, उसमें भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स, रेगुलर पढ़ाने वाले टीचर, नॉन रेगुलर पढ़ाने वाले टीचर, उन सभी की सुरक्षा के लिए COVID-19 से रिलेटेड जो भी सेफ्टी है, चाहे डिस्टेंस हो, आपका सैनिटाइज़र है, मास्क है, और जो भी चीज़ें हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाएगा और उन सभी का बहुत अच्छे से पालन भी किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आगे इन्होंने इसी बात में बोला है कि दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि कई स्टेट्स में सरकार ये चाहती है कि उनके स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं फिज़िकल मोड में जो क्लासेस हैं फिर से स्टार्ट करने से पहले वैक्सीनेट हो जाएं, पहले टीका लगवाएं, ये वाली बात इसमें बोली गई है। उसके बाद ये अगेन आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी रिज्यूम फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्री फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम अगस्त 16, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो उड़ीसा की सरकार है उसने तो पहले ही 16 अगस्त से स्टूडेंट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर के बच्चे और UG के थर्ड ईयर के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए कक्षाएँ शुरू कर दी हैं। और आगे इन्होंने बोला है, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ allowed the colleges and universities in the state to reopen for offline classes from September 1st। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि अभी उन लोगों ने, कुछ स्टेट्स ने जो डेट्स हैं वो तय कर दी हैं कि भाई इस डेट पर हमारा स्टार्ट है। तो यहाँ पर किसने, उत्तराखंड सरकार ने जो स्टेट है उसके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ को 1 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस के लिए खोलने की अनुमति दे दी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है
द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अलाउड द स्कूल टू रिज्यूम फिजिकल क्लासेस फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 फ्रॉम मंडे अगस्त 16। इन्होंने यह बोला है कि जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, उसने मंडे 16 अगस्त से स्कूल के बच्चे जो 6 to 8 तक के क्लास के बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल मोड में क्लासेस देने की परमिशन भी दे दी है। ठीक है, यहाँ पर मीन्स उत्तराखंड में अगर ऐसा हो गया, स्कूल और कॉलेज दोनों बच्चों के लिए हुआ, तो यहाँ पर होने के भी चांसेस अच्छे खासे हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी However, said that the state government is considering resuming school and colleges, which were shut earlier in view of the second wave of COVID-19. इन्होंने जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ना, आपकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने बोला है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उन स्कूल और कॉलेजेस को फिर से शुरू करने पर सोच विचार कर रही है जो पहले से ही COVID-19 की सेकेंड लेयर के मद्देनज़र बंद थे। ठीक है, कि जब सेकेंड लेयर चली थी वो ऑलरेडी बंद थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन खुला था तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु ही थी, मुझे स्टेट ढंग से याद नहीं है, तो वहाँ पे कॉलेजेस ओपन किए गए थे, एक साथ बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे कोविड पॉजिटिव निकले थे, तो अगेन वो ऑफ कर दिया गया था सब कुछ। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जिसमें मतलब इन्होंने ये बोला है कि फिर से अगेन जो आपकी मुख्यमंत्री जो हैं, रुकिए मैं आगे का भी पढ़ देती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ। चीफ मिनिस्टर सेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रीओपन इन वेस्ट बंगाल आफ्टर दुर्गा पूजा वैक्सीनेशन विद क्लासेस ऑन अल्टरनेट डेज टू स्टार्ट विद। इन्होंने आगे ये बोला कि मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद ही वेस्ट बंगाल में जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज, स्कूल, मे बी कोचिंग्स वगैरह भी, तो उन सबको खोलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक इमेजिनेशन दिए जा रहे हैं कि कुछ इमेजिन किए गए दिनों में ही क्लासेस दी जाएंगी, कि भैया या तो एक दिन मंडे को दे दी, ट्यूसडे का गैप, वेडनेसडे को दे दी, थर्सडे का, कुछ इस टाइप का दिया गया है। गोवा ऑन द अदर हैंड हैज़ अलाउड इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन टू होल्ड ऑफलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट विद ऑल प्रोटोकॉल इन प्लेस। आर सर्कुलर इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन प्रसाद लोयाकर ऑन मिड अगस्त said the state government has lifted the restrictions imposed on educational institute for conducting classes in a physical mode. दूसरी तरफ गोवा में जो आपके जो उच्च शिक्षाएं देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को प्रोटोकॉल के साथ स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस देने के लिए परमिशन दे दी गई गोवा में। ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एजुकेशन, मतलब जो प्रसाद लोयाकर हैं उन्होंने बोला है कि अगस्त के मिड में ये जारी कर दिया गया है कि भैया क्लासेस हो सकती हैं। यहाँ पे गोवा की बात हो रही है, तो आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं या दिल्ली के आसपास हरियाणा में हैं, ये थोड़ा और उससे ऊपर हैं, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो, ये आपको मैं बकायदा स्टेट्स के नेम बता रही हूँ, तो मुझसे प्लीज़ ये कमेंट में या टेलीग्राम पे मत पूछना कि मैम मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, स्टेट से। सो प्लीज़ आप मुझे बता दो कि मेरे कॉलेज ओपन होंगे या नहीं होंगे। सो उसके बाद इन्होंने बोला है कि DU अर्लियर अनाउंस टू रीओपन द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो DU की बात आ गई है, अब तो बिल्कुल भी ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप मुझसे ये करो। तो इन्होंने बोला, हाउएवर द यूनिवर्सिटी कैंसल्ड इज मूव लेटर स्टेटिंग दैट द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज येट टू अलाउ इन पर्सन क्लासेस ऑन कैंपसेस। इन्होंने बोला कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे उनके लिए कॉलेजेस खोलने की मतलब घोषणा करी थी। मैंने आपको एक नोटिस के थ्रू भी बताया था कि 16 अगस्त से साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की जो प्रैक्टिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्लासेस हैं, वो फिजिकल मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में होंगी। जो बच्चा कोविड पॉजिटिव होगा उस बच्चे को ऑफलाइन वो ले सकता, सॉरी ऑनलाइन ले सकता है, और जो जाना चाहे वो ऑफलाइन भी ले सकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई हालांकि यूनिवर्सिटी ने बाद में ये कहा, मतलब ये कहते हुए अपना कदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, कि दिल्ली जो आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने अभी तक क्लासेस को खोलने की परमिशन नहीं दी है, क्योंकि दिल्ली में केसेस कहीं ना कहीं मिल रहे थे, और इस चीज़ को भी देखा गया था कि जिस स्टेट में कॉलेज खोले गए थे उस स्टेट में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एक साथ कोविड पॉजिटिव दिखे गए थे। ऑल कॉलेज एंड स्कूल्स इन राजस्थान विल रिज्यूम फॉर ऑफलाइन क्लासेस विद हाफ द कैपेसिटी
फ्रॉम 1 सितंबर। इन्होंने बोला राजस्थान के सभी स्कूल और कॉलेजेस 1 सितंबर से आधी क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब वही सेम वाली बात कि या तो 50% बच्चे को बुलाया जाएगा एक दिन, 50% को एक दिन, या फिर एक दिन सबको एक दिन छुट्टी कर दी जाएगी। क्योंकि देखो किसी को नहीं पता कि आपके साथ चलने वाला कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, या आप खुद हो, आपको भी नहीं पता। क्योंकि इस टाइम वायरल भी चल रहा है, कोविड भी चल रहा है, और भी बहुत सारी जो भी बीमारियाँ हैं वो सभी ऑलमोस्ट चल रही हैं। सो आप लोग अब इस न्यूज़ को लेकर कोई भी डाउट मत रखना। इस न्यूज़ पे मुझे वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि मैम ये न्यूज़ जो है हमें ढंग से समझ नहीं आ रही कि इसमें होना क्या है और क्या हो रहा है। सो ये सब हो रहा है और ये सब होना है जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, और जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं करी है वो स्टार्ट कर दो तो बेहतर होगा। पेपर के लिए सोल वाले बच्चे जो हैं या फिर एनसीवेब के जो बच्चे हैं, दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो उन बच्चों के पेपर दिसंबर में होंगे। उन बच्चों के रेगुलर के बच्चों के पेपर होने के 1 महीने बाद होते हैं, तो रेगुलर के नवंबर में होंगे, आप लोगों के दिसंबर में होंगे। तो बेहतर यही रहेगा आपके पास टोटल 3 या 4 महीने हैं, उसमें ही अपने सब्जेक्ट्स कवर कर लो। अब आप ये बोलोगे कि मैम सब्जेक्ट्स तो पता ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके मेन कोर सेम रहते हैं। पॉलिटिकल के, पॉलिटिकल ऑनर्स के मेन कोर मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो बीए प्रोग्राम है उन बच्चों का हिस्ट्री का सिलेबस बता चुकी हूँ। आपको कोई और से सब्जेक्ट का चाहिए तो वो मुझे कमेंट या टेलीग्राम पे बता दीजिए, ठीक है। कुछ बच्चों की एजुकेशन और पॉलिटिकल की डिमांड आई थी, वो भी मैं जल्द से जल्द आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दूंगी विद बेस्ट राइटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। फिर भी अगर रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।